हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं गढ़गंगा, तो सोचा उसका कोई व्लॉग बना लिया जाए। निकल गए हैं गढ़गंगा के लिए। सुबह 7 बजे हम सब निकल गए थे। हमारा पूरी फैमिली के साथ प्लान बना था आज जाने का वहाँ पर, और यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। कार में बैठे हम, यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ का, बहुत ही अच्छा सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं, और मौसम भी बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ के लिए। ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, बहुत ही अच्छी अच्छी हवाएं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं यहाँ पर। अभी हम आउट ऑफ दिल्ली आ चुके हैं और कुछ देर में पहुँच जाएंगे गढ़गंगा। यहाँ पर करीब हाफ एन आवर का सफ़र रहता है, तो हाफ एन आवर के बाद हम पहुँच जाएंगे गढ़गंगा। बीच में यहाँ पर ढाबे पड़ रहे हैं, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। और ये पूरा जो इलाका है ये पूरा पॉल्यूशन फ्री है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर आने का, यहाँ घूमने का। पॉल्यूशन फ्री जगह पर हम घूम रहे हैं, यहाँ पे लोकल शॉप्स पड़े हैं, पेट्रोल पंप पड़ा था एक, और यहाँ पर ये बहुत से ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं। शायद वो इसलिए क्योंकि ये जो फील्ड्स हैं कुछ कुछ यहाँ पर थे, तो उनकी हार्वेस्टिंग का, उनकी क्रॉप्स जो थी उनकी हार्वेस्टिंग का, ये हार्वेस्टिंग हो भी रही है। और यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है लॉन्ग ड्राइव पर। बस हाफ एन आवर का रहता है सफ़र, पर हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, तो इसी को शूट करने के लिए हम यहाँ रुके हैं। यहाँ पर ये रोज़ेस की खेती है, और ये देखिए कितने बल्क में है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये रेड रोज़ेस। रोज़ेस बहुत ही पसंद है मुझे, इनकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं ये, तो इन्हीं को कैमरे में कैप्चर करने के लिए हम यहाँ रुके हैं। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। आप भी यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं ये बहुत ही सुंदर हैं, और ऐसे मौसम में तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जगह पॉल्यूशन फ्री है, दिल्ली में ये सब नज़ारे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। भी कुछ महिलाएँ हैं, कुछ औरतें हैं जो जा रही हैं गढ़गंगा, ये भी गढ़गंगा ही जा रही हैं, तो आप सुनिए कितना अच्छा लोकगीत गा रहे हैं ये, मैं आपको सुनाती हूँ ज़रूर, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका ये लोकगीत, बहुत पसंद आया मुझे। और अब हम दोबारा चल पड़े हैं गढ़गंगा के लिए, और ये देखिए यहाँ पर ये सारा नेचुरल व्यू है, सफ़ेदा के पेड़ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये आप कुछ खेत देख सकते हैं जिनमें अभी हल से खुदाई हुई हुई है, और यहाँ पर ये दूर किसी चीज़ की खेती हुई हुई है। यहाँ फार्मर्स आप देख सकते हैं मैनुअली काम करते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के, अच्छा लग रहा है ये सब देखने में। यहाँ पर ये पराली जला रहे हैं, और ये ट्रैक्टर्स में कैरी कर रहे हैं पराली वगैरह। इरीगेशन सिस्टम्स हैं सारे, दूर गन्ने की खेती हुई हुई है, ईख की, और भी बहुत सी चीज़ों की खेती हुई थी यहाँ पर, हुई हुई थी, देखा बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और अब हम फाइनली, मैं आपको गढ़गंगा का व्यू दिखाती हूँ। इसे देखिए, फाइनली हम सब पहुँच चुके हैं यहाँ पर। उसके लिए हम, काफ़ी लंबा सफ़र रहा हमारा, ये देखिए यहाँ पर तख्त वगैरह बिछे हुए हैं, जिसमें मतलब लोगों की कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर बिछे हुए हैं, और ये शॉप है यहाँ पर, यहाँ से हम प्रसाद खरीद सकते हैं, और अगर हमें गंगा जल घर तक कैरी करना हो तो ये हम कैंस भी ले सकते हैं। और ये देखिए वहाँ पर हमें दिख रहा है ये गंगा जी का व्यू है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ये अगर हमें बोटिंग करनी हो तो यहाँ पर बोट्स भी हैं,
हम भी बोट का यूज़ करेंगे दूसरे तट पर जाने के लिए, जो आपको दूसरी पार हम आप देख सकते हैं, वहाँ हम नहाएंगे। तो कुछ देर में हम बोट में सवार हो जाएंगे। बोटिंग में मज़ा आता है काफ़ी, मैंने पहले भी की हुई है। और हम बोट में सवार हो चुके हैं, हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे देखिए, हम बाकी सारी बोट्स भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए दूसरे तट पे हम जाने वाले हैं, वहाँ पर हम नहाएंगे। यहाँ बोट में बैठते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है मज़ा आने वाला है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे तट पर, वहाँ पर हम इन्जॉय करेंगे। हम पहुँच चुके हैं, ये वही बोट है जिसमें हम आए थे। दूसरे तट पर आ गए हैं अब हम, और अब हम नहाएंगे यहाँ पर। बहुत ही मज़ा आने वाला है, काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है मुझे। और यहाँ पर ये देखिए ये तख्त यहाँ पर भी बिछे हुए हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए। और यहाँ पर वो कुछ कॉलम्स हैं चेंज करने के लिए। काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए दूसरे तट अब कितना छोटा लग रहा है, सारे में आगे पानी पानी दिख रहा है और बहुत ही ठंडा है ये पानी। मज़ा आएगा काफ़ी। और अब मैं आपसे मिलती हूँ यहाँ पर नहाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम निकल चुके हैं, काफ़ी मज़ा आया, हमने काफ़ी पिक्स ली हैं वहाँ पर। और अब हम दिल्ली के लिए, अपने घर के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर भी आप नज़ारे देख सकते हैं, बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही अच्छी रही हमारी जर्नी, यादगार रही। और मेन बात, अब हमें भूख लग रही है, बहुत भूखे हैं हम। तो अब हम कुछ किसी होटल में, किसी ढाबे में रुकेंगे हम खाने के लिए, वहाँ मिलते हैं हम। पार्क कर दिया अब हमने, ये शिवा टूरिस्ट ढाबा है, यहाँ पर हम रिफ्रेशमेंट्स लेंगे, और भी शॉप्स हैं यहाँ पर। इस ढाबे पर आकर हम रुक गए हैं, यहाँ हम कुछ देर रिफ्रेशमेंट्स लेकर फिर चलेंगे हम आगे। तो यहाँ पर ये शिकंजी का स्टॉल है, कुल्फ़ी का स्टॉल है, और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है हमने, यहाँ पर ये और भी ये फुटवेयर का शॉप है। यहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ये हम आ गए हैं अंदर, शिवा टूरिस्ट ढाबे के अंदर आ गए हैं हम। ये है एक फुटवेयर शॉप है ये, और भी बहुत सी शॉप्स हैं। ये एक शॉपकीपर है, ये कन्फेक्शनरी शॉप है, टॉयज़ भी हैं यहाँ पर। ये भी एक टॉय कन्फेक्शनरी शॉप है, यहाँ पर आप कस्टमर्स देख सकते हैं। ये सब टूरिस्ट के लिए, कन्वीनियंस के लिए है यहाँ पर ये सब कुछ। अच्छा लग रहा है काफ़ी, वेल डेकोरेटेड। एंड ये भी एक आइसक्रीम स्टॉल है, यहाँ पर देखिए स्वीट्स है, ये स्वीट शॉप है। और आगे भी आप देख सकते हैं एक स्वीट शॉप है, ये देखिए। मुझे स्वीट्स खाना बहुत पसंद है, और आप बताइएगा कमेंट्स में आपको कौन से स्वीट्स पसंद है। ये देखिए यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल है, और भी बहुत सी टेबल्स हैं यहाँ पर। हम भी एक फैमिली टेबल पकड़ेंगे और उस पर कुछ अच्छा सा ऑर्डर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं तो अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, और यही मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। बहुत ही मज़ा आया मुझे आप सबसे बातें करके। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ हमारी वीडियोस इस तरह देखते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।